आज की जो हमारी रेसिपी है ये है अंडा रोल। इसे ट्राई कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में डालिए आपको हमारी रेसिपी कैसे लगे, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम साई कुकिंग क्लासेस एंड दिस इज सीमा गवारे पटेल फ्रॉम नासिक। नासिक में तो हम कुकिंग क्लासेस लेते ही हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर ऑल ओवर वर्ल्ड हम लोग देते हैं ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस। अगर आपको हमारे ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करने तो प्लीज कॉल कीजिए 9325294757 या 9850746889। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ही नंबर डाले हुए हैं। आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लाई हूँ उन सब माओ के लिए जिनको बहुत टेंशन रहती है कि कल टिफिन में क्या बनाया जाए, या कभी बच्चे ने बेड टाइम पूछ लिया कि मम्मा आज अभी भूख लगी, मुझे कुछ तो भी खाने के लिए दीजिए, और घर में सब्जी रोटी सब खत्म हो चुका होता है। सो आप सब माओ के लिए मैं रेसिपी लाई हूँ, ये है अंडा रोल। अंडा रोल को सिर्फ आपको 5 मिनट लगने वाले हैं। बनाइए, बच्चों को खिलाइए और आप भी एंजॉय कीजिए। इसको अंडा रोल बना के दे सकते हैं, और ये मेरे बच्चों की फेवरेट रेसिपी है जो सिर्फ 5 मिनट में बनती है, और वो भी खुश हम भी खुश। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या बना रहे हैं हम लोग। 1 कप आपको लगेगा मैदा, 1/4 कप ये लगेगा गेहूं का आटा। जितना भी मैदा लिया है उसका 1/4 भाग आप लोगे गेहूं का आटा। 1/2 tsp है चीनी। नमक स्वाद के अनुसार डालिए। 2 चम्मच तेल लिया है। इन सारी चीजों को मिला के आपको आटा गूंदना है, 15 मिनट रखना है और उसके बाद स्टार्ट करना है। उसके आगे हम देखते क्या लगेगा। ये है मेयोनेज, ये आपको कहीं भी किराना शॉप में मिल जाएगा, ग्रोसरी शॉप में मिल जाता है, बिग बाजार कहीं भी जाओ आपको मिल जाएगा। सो ये है मेयोनेज। देन केचप, उसके बाद है चिली पाउडर, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाट मसाला, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। देन प्रोसेस चीज, जो चीज क्यूब आता है मार्केट में वो, उसके बाद बटर, नींबू का रस और प्याज एकदम लंबा पतला कटा हुआ। उसके बाद ऑफ कोर्स आपको लगने वाले हैं अंडे। सो है ना सिंपल। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लगेगा मैदा, ओके। देन आप लोगे गेहूं का आटा, ये गया गेहूं का आटा। फिर इसमें डालेंगे हम चीनी, इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। फिर हम इसमें तेल डालेंगे, पानी डाल के इसका आटा गूंदेंगे। मैंने आटा को गूंद के रखा है। इस आटे को आपको 15 मिनट गूंद के रखना है। आटा पतला भी मत कीजिए, बहुत सख्त भी नहीं कीजिए। जैसे आप रोटी के लिए आटा गूंदते हो वैसे आपको आटा गूंदना है, तो मैंने रोटी का आटा गूंद के रखा है। सो ये मैंने आटा गूंदा था, इसे मैंने 15 मिनट रखा ढक के। 15 मिनट हो गए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ आप रोटी कैसे बेलो। आपको एकदम ही पतली रोटी बेलनी है, एकदम पतली बेलनी, बहुत मोटी नहीं अच्छी लगती। सो मैं एकदम पतली रोटी बेलती हूँ इसकी। आप देखोगे मैंने बहुत ही पतली रोटी बेली है, इतनी ही पतली आपको रोटी बेलनी है। और इसे कैसे सेकना है मैं वो दिखाती हूँ। ओके, तवा गर्म हो गया, सिर्फ आप इसे 2 मिनट एक तरफ और 2 मिनट दूसरी तरफ, बस आपको इतना ही सेकना है। मैंने सिर्फ 2 मिनट सेका है, ओके। बस आपको थोड़ा सा व्हाइट दिखेगा, सफेद सफेद दाने दिखेंगे, बस आपको इसे ब्राउन नहीं करना है। और ये आप क्या करोगे, रोटी निकाल लोगे, बस इतना ही सेकना है। अगर आप देखोगे दोनों तरफ से व्हाइट है, ओके। अभी सो आप ऐसी रोटी बेल के तैयार रख लीजिए, आपको जब बच्चों को खिलाना है बस आपको करना क्या है, ये रोटी बना के आप 2-3 घंटे के लिए रख सकते हो। बस आपको जब भी रोल बनाने हैं तवे पे आ जाइए, मैं दिखाती हूँ आपको क्या करना है। सो आपको इस पे डालना है थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा तेल, और इस रोटी को कर लेना है गर्म अच्छे से। इसको मैं पलट रही, आपको दिख रहा है ये ऐसा आपको बाद में करना है जब आप रोल बनाओगे। सो ये रोटी आप आराम से 2-3 घंटे के लिए ऐसे बना के रख सकते हो। लेकिन मैदा खाना हम भी सजेस्ट नहीं करते कि बहुत हेल्दी रहता है। ये रोड साइड में जो आपको मिलते हैं रस्ते के ऊपर, ये मैं आपको वैसे रोल बता रही हूँ। लेकिन अगर आपको टिफिन में देने हैं तो आप जो गेहूं की रोटी बनाते हो, गेहूं की रोटी से भी आप सेम ऐसे ही बना सकते हो। सो मैंने इसे दोनों तरफ से सेक लिया है, मैं बहुत नहीं ज़्यादा सेक रही, बस मैं अभी इसको निकाल लेती हूँ। आपको करना क्या, ये मेरे बेटों के, मेरी बेटी दोनों का फेवरेट है। उनको कभी भूख लग जाती है, टाइम नहीं रहता है, सब्जी नहीं रहती, तो मम्मा मुझे अंडा रोल बना के दो।
5 मिनट लगते हैं, आप बच्चों को खिलाइए, आपके बच्चे एकदम खुश। तो आपको थोड़ा सा तेल डालना है, अभी नॉन स्टिक है इसलिए तेल साइड पे जा रहा है। सो अभी मैं आप क्या करूंगी, इसके ऊपर ही आपको तवे के ऊपर ही अंडा फोड़ना है। और आप क्या करोगे, ये रोटी इसके ऊपर डाल के हाथ से अंडे को प्रेस कर लो ताकि अंडा सब जगह चला जाए। एक्चुअली ये तवा मेरा फ्लैट है इसलिए मेरे को इसे प्रेस करना पड़ेगा अच्छे से। आप इसे ऐसे प्रेस करके 2 से 3 मिनट तब तक पकाइए जब तक आपको लगे कि जो नीचे का अंडा है ना ये अच्छे से पक गया है। ओके, सो एक दो मिनट में छोड़ रही हूँ। अभी अगर मैं रोटी को पलटू तो दिख रहा है ये अंडा पक चुका है। सो मैं क्या करूँगी, इस रोटी को एक प्लेट पे निकाल लेती हूँ। ओके, देन मैं एक कटोरी में ये जो मेयोनेज है, मेयोनेज आपको कहीं भी मिल जाएगा, 2 चम्मच मैंने मेयोनेज लिया है, या आप कम ज़्यादा भी डाल सकते हो आपको जैसा पसंद है। 2 चम्मच में मैं 1 चम्मच इसमें डाल रही हूँ केचप। ओके, और मैं इसमें मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, आपके बच्चों को जितना तीखा पसंद है आप डाल सकते हो। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ओके, सो ये अच्छे से मिक्स हो गया। अभी करना क्या, ये आप लगाओगे इस रोटी के ऊपर। ओके, इसके ऊपर देन आपको करना क्या है, जो हम लोगों ने प्याज लिया है इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए आप। ये प्याज के ऊपर मैं थोड़ा सा नींबू निचोड़ रही हूँ। और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे। और ये प्याज हम लोग डालेंगे इस रोल के ऊपर। ओके, देन इसके ऊपर आपको डालना है अच्छा खासा चाट मसाला। चाट मसाला से बहुत ही टेस्टी फ्लेवर मिलता है किसी भी रोल को। अब हम इसमें डालेंगे चीज, जो हम लोगों ने चीज लिया इसको हम लोग ग्रेट करके डालेंगे। इसे फैला लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से रोल कर लेंगे, एकदम टाइट रोल कीजिए इसको। सो अभी मैं फिर से तवे पे थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, और जो हम लोगों ने रोल बनाया इसकी जो नीचे वाली बाजू ये इस पे डाल के इसको हम लोग कड़क कर लेंगे, क्रिस्पी कर लेंगे। मैं पलट लेती हूँ तो देखिए कितना गोल्डन कलर आया और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। सो ये दोनों तरफ से सिक गया। अभी मैं आपको इसको दिखाती हूँ पैक कैसे करना है। इसको अभी मैं 2 पार्ट में कट कर रही हूँ। अभी आप सिल्वर फॉइल लीजिए या बटर पेपर लीजिए, इसको ऐसे नीचे से फोल्ड कीजिए, और ये आपके बच्चों के टिफिन के लिए गर्मा गर्म अंडा रोल तैयार। सो ये तो मैंने एक रोल तैयार कर लिया, बाकी के भी मैं तैयार कर रही हूँ, फिर मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ कैसे बने हैं। सो हमारा सेकेंड रोल भी तैयार है, सिर्फ 2 मिनट लगे सेकेंड रोल के लिए भी। इसको भी मैं कट करती हूँ, प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। सो ये हमारा अंडा रोल तैयार है, ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, 5 मिनट में बनने वाली है। ट्राई कीजिए, बच्चों को खिलाइए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।